अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स आमद। आईजी पंजाब ने सेफ सिटी ऑपरेशन सेंटर के सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत सूबे भर के आजादारी जुलूसों के बराह रास्त मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मुहर्रमुल हराम के लिए खसूसी सिक्योरिटी इंतजामात। सेफ सिटी सेंटर से शहर भर में मुनक्किद होने वाली मजालिस, जुलूसों और इमाम बारगाहों की कैमरों से 24 घंटे निगरानी जारी। 9वें बरहमुल हराम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। मरकजी जुलूस के रास्तों की सेफ सिटी मोबाइल कमांड व्हीकल से मॉनिटरिंग जारी। योम आशूरा 2024 सेफ सिटी हेडक्वार्टर लाहौर से ननकाना, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी में जारी जुलूसों की मॉनिटरिंग भी जारी। अशरा महरमुल हराम का 9वां रोज लाहौर समेत सुबह भर में आजादारी जुलूसों और मजालिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। सीनियर अफसरान फील्ड में मौजूद। 9वें मरहुल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम के जायजे के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का महकमा दाखिला और पंजाब पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम्स का दौरा। आईजी पंजाब ने कंट्रोल रूम से मरकजी आजादारी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शेखुपुरा में जामे शहादत नोश करने वाले एएसआई मोहम्मद नवाज को शानदार खराज अकीदत। एएसआई मोहम्मद नवाज ने फर्ज की राह में जान का नजराना पेश किया। महकमा पुलिस लाजवाल कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। आईजी पंजाब। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 84,863 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,712 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 48,834 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 5,776 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 930 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नेवर अगेन मुहिम के तहत उकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स आमद। 9वें मरहमुल हराम के जुलूसों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। एमडी सेफ सिटी मोहम्मद एहसन यूनुस ने जुलूसों की मॉनिटरिंग के इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। एमडी सेफ सिटी मोहम्मद एहसन यूनुस ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम मजालिस और जुलूसों की कैटेगरी ए, बी और सी के एतबार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम हसास मकामात को अजाफी पोर्टेबल कैमरों के जरिए कवर किया गया है। सेफ सिटी सेंटर से पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान और टेक्निकल टीमें 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सेफ सिटी हेडक्वार्टर से ननकाना, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी में जारी जुलूसों की मॉनिटरिंग भी जारी है। शहर भर में मजालिस और जुलूसों की मुकम्मल कवरेज के लिए सेफ सिटी कैमरे 24 घंटे फाल हैं। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि योम आशूरा के मरकजी जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल ब्रोए कार लाए जा रहे हैं। सेफ सिटीज अथॉरिटी और तमाम इजला में कायम कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी इंतजाम की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से मुहर्रमुल हराम के लिए खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं, तफसीलात देखिए ताहिरा अली राणा की इस खसूसी रिपोर्ट में। नाजिन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर में, जहाँ पर आशूरा के हवाले से मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जा रहा है। इस हवाले से लाइव मॉनिटरिंग का अमल जारी है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन कमांडर SP IC3 शफीक अहमद चौधरी साहब। सर से पूछते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 9 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जा रहा है, किस तरह से ये लोग लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि किस तरह से यहाँ पे आप लोग सिक्योरिटी को मेक श्योर कर रहे हैं, कैसे लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर आपके यहाँ पर तीनों शिफ्टों में मौजूद होंगे इन दिनों में। जी, जैसे आप देख रही हैं कि मुहर्रम अल हराम जो है ये हाईली सेंसिटिव होता है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर पुलिस के साथ हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है और आप देख रहे हैं कि इस टाइम आज 9 मुहर्रम को 2 मेन प्रोसेशन जो हैं वो ऑन द वे हैं, जिसमें एक पांडो स्ट्रीट वाला और एक शादमान वाला। और इस टाइम आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारा यहाँ पे राउंड द क्लॉक स्टाफ बैठा है, जो कि 3 शिफ्टों में है, ये कल शाम तक जब तक ये जुलूस एंड नहीं हो जाते इसी तरह कैमरा के थ्रू इसकी लाइव मॉनिटरिंग करेंगे और जुलूस के रास्ते में किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को, कोई सस्पिशियस पर्सन हो, कोई गाड़ी हो, तो उससे मुतल्लिक कोई भी अपनी ऑब्जर्वेशन है तो जो हमारी फील्ड फोर्सेज हैं उनको टाइम यहाँ से डिस्पैच किया जाएगा और ये इंश्योर करवाया जाएगा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके।
और सर यहाँ पे जो आपकी मोबाइल कमांड व्हीकल है वो भी मजालिस के रूट्स पे मौजूद होती है और वो भी मॉनिटरिंग कर रही होती है? देखिए, मोबाइल कमांड जैसे कि ये है कि वो जो रूट्स को या उस इवेंट को कमांड कर रहे होते हैं उनके लिए एक कमांड पोस्ट के तौर पे काम करती है, जिसमें तमाम कैमराज उसमें उनको व्यू आता है, लाइव स्ट्रीमिंग आ रही होती है, वो किसी भी जगह पर उसको बैठ के उस इवेंट को वहाँ पर मोनिटर कर सकते हैं। उस कमांड वैन के ज़रिए से जो वहाँ पे इवेंट को कमांड कर रहे हैं उनको डिसीजन लेने में, अपनी ड्यूटी को डिप्लॉय करने में और उनको किसी भी कोई भी मूवमेंट अगर कोई ऐसी है तो उसको वो रेक्टिफाई करने में हेल्प देती है। तो वो अभी प्लेस है डीएजी ऑप्स के ऑफिस में और वहाँ से वो जहाँ उनको ज़रूरत महसूस होती है वो उसे प्लेस करवा देते हैं और हमारा स्टाफ उसमें वो सारा उसमें ऑपरेट करता है। सर, सेफ सिटी हेडक्वार्टर में यहाँ सिर्फ लाहौर को ही देखा जा रहा है या बाकी शहरों की मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है यहाँ से? जी बिल्कुल, लाहौर में तो तमाम जितने भी हम इवेंट्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रही हैं कि यहाँ पे कसूर में जो प्रोसेशंस अभी होने वाले हैं उनको भी यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा फिर हमारे पास ननकाना, गुजरांवाला और रावलपिंडी से भी यहाँ पे फीड आ रही है और ये स्टाफ जो हमारा बैठा है यहाँ से वो इन प्रोसेशंस और मजालिस को भी यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आप भी अपने इर्द गिर्द किसी भी किस्म की कोई मशकूक सरगर्मी को होता हुआ देखें तो इमिजिएटली फौरी तौर पर 15 पर इत्तला दें। अशरा मुहर्रमुल हराम का नौवां रोज़ लाहौर समेत सूबे भर में आज़ादारी जुलूस और मजालिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, सीनियर अफसरान फील्ड में खुद मौजूद। लाहौर समेत सूबे भर में आज मजालिस और आज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी पर 65,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में आज 10,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार मुहर्रम सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह भर में 1,686 आज़ादारी जुलूस बरामद होंगे और 3,853 मजालिस मुनक्किद हो रही हैं। लाहौर में आज 79 आज़ादारी जुलूस बरामद, 378 मजालिस मुनक्किद हो रही हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इस हवाले से कहना है कि अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। RPOs, DPOs समेत सीनियर अफसरान इमाम बारगाहों जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। खवातीन अजादारों की सिक्योरिटी के लिए खवातीन पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। सेफ सिटीज अथॉरिटी जिले इंतजामिया के कैमरों की मदद से मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नौवें मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम के जायजे के लिए महकमा दाखिला और पंजाब पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम्स का दौरा किया और मरकजी आज़ादारी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम में स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान जबकि सेंट्रल पुलिस ऑफिस कंट्रोल रूम में AIG लीगल सलीम चुगताई ने IG पंजाब को ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने पौंडो स्ट्रीट से बरामद मरकजी आज़ादारी जुलूस की मॉनिटरिंग भी की। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि मुख्तलिफ अजला में नौवें मुहर्रम के तमाम मरकजी आज़ादारी जुलूस पुरअमन तौर पर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। पंजाब पुलिस सूबे भर में मजालिस और आज़ादारी जुलूसों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बना रही है। मरकजी कंट्रोल रूम से तमाम अजला के जुलूसों और मजालिस की लम्हा ब लम्हा निगरानी की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट्स की बदौलत आज़ादारी जुलूसों और मजालिस की मसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शेखपुरा में जामे शहादत नोश करने वाले ASI मोहम्मद नवाज़ को शानदार खराज अकीदत पेश किया। बहादुर पुलिस ऑफिसर ASI मलिक मोहम्मद नवाज़ की नमाज जनाजा इफ्तार पुलिस लाइन शेखपुरा में अदा कर दी गई। शहीद ASI मोहम्मद नवाज़ का ताल्लुक पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP से है। ASI मोहम्मद नवाज़ ने दौरान ड्यूटी किला सतार शाह में मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोका तो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने रुकने की बजाय फायरिंग कर दी। ASI मोहम्मद नवाज़ सीने पर फायर लगने से शहीद हो गए थे। IG पंजाब का कहना था कि ASI मोहम्मद नवाज़ ने फ़र्ज़ की राह में जान का निजराना पेश किया। महकमा पुलिस लाजवाल कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगा। शहीद अहलकार के अहले खाना की बेहतरीन वेलफेयर का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। सुपरवाइजरी अफसरान शहीद ASI के अहले खाना से करीबी राबता रखें। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।